दोस्तों आप लोग ये नज़ारा गिरगांव चौपाटी का देख रहे हैं, जहां पर लाल बाग चाराजा जी का विसर्जन होने जा रहा है। मैं इस वीडियो में आपको लाइव विसर्जन दिखाने वाला हूं और साथ में कई सारी और मूर्तियों का विसर्जन यहां पर किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि लाल बाग चाराजा जी का दर्शन करने के लिए और विसर्जन देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ यहां पर उमड़ी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों अभी हम खड़े हैं गिरगांव चौपाटी पर, जहां पर मुंबई के लाल बाग चाराजा सहित सभी गणेश मूर्तियों का विसर्जन होने वाला है। और अभी रात का टाइम है और करीब अभी 11 बज चुके हैं और सारी मूर्तियां गिरगांव चौपाटी पर बारी बारी से आ रही हैं और सबसे पीछे मुंबई के लाल बाग चाराजा जी का विसर्जन किया जाएगा। तो हम इस वीडियो में आपको पूरा लाइव यहां पर विसर्जन का वीडियो दिखाने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं पूरा आपको वीडियो दिखाऊंगा जितनी भी मूर्तियों का विसर्जन यहां पर किया जाएगा और किस प्रकार से यहां पर मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है गिरगांव चौपाटी पे। आपको पूरा लाइव सब कुछ दिखाऊंगा, तो आप लोग हमारे वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा क्राउड है और बहुत ही तगड़ी भीड़ है गाइस। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा आगे अंदर और वहां का भी नजारा देखते हैं कि किस प्रकार से मूर्तियों का विसर्जन वहां पे किया जाता है और कितना बेहतरीन लगता है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों अभी हम गिरगांव चौपाटी पर मौजूद हैं और रात के 11:30 बज चुके हैं और जो लाल बाग चाराजा जी हैं वो अभी रास्ते में आ रहे हैं। इसकी वजह से मैं सोचा कि क्यों ना मैं गिरगांव चौपाटी पर पहुंचता हूं और जितनी भी मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है वो भी दिखाता हूं। तो आप लोग देखिए कितनी अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी मूर्तियों का यहां पर विसर्जन किया जा रहा है, काफ़ी अच्छी भीड़ भी है। दोस्तों ये नज़ारा है शाम के 6 बजे का, जब मुंबई के लाल बाग चाराजा जी की प्रतिमा विसर्जन के लिए निकाली जाती है। तो देखिए यहाँ पर आगे पूरी फोर्स लगी है, पुलिस की गाड़ी लगी है, जैमर वाली गाड़ी लगी है, मतलब आपको बता दें पूरी सुरक्षा के साथ लाल बाग चाराजा जी का विसर्जन निकलता है। तो इनको देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि मुंबई में हजारों मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं और सभी मूर्तियों के लिए धूम धड़ाक से ये उत्सव मनाया जाता है। लेकिन जो खासियत मुंबई के लाल बाग चाराजा जी में है वो कहीं पर भी नहीं है। इसमें इतनी खासियत है और इतनी ये लोकप्रिय है कि इनका दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से कोने कोने राज्यों से चले आते हैं। आपको बता दें इनका जो ये हिस्ट्री है ना वो बहुत ही अचंभित करने वाला है। मैं आपको इनके इतिहास के बारे में ऑलरेडी पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूँ, तो वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी कि आखिर लोग लाल बाग चाराजा जी से इतना प्रेम क्यों करते हैं और इनको मन्नत का भगवान क्यों कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर आप लोग लाल बाग चाराजा जी से जो भी मन्नतें मांग लेंगे ना, आपकी सारी मन्नतें जरूर पूरी होगी। तो देखिए यहाँ पर फोर्स किस तरह से लोगों को हटा रहे हैं और रास्ते को क्लियर करा रहे हैं कि मुंबई के लाल बाग चाराजा जी का विसर्जन करने में और उनको लाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर आप लोग मालाएं देख रहे होंगे, लोग रस्सियों में लटकाए हुए हैं। जब लाल बाग चाराजा जी का विसर्जन इस रास्ते हो रहा है तो वो लोग इसको चाकू से काट के सबको देख रहे हैं, सबके ऊपर दे रहे हैं। ये एक प्रसाद कह लीजिए, लाल बाग चाराजा जी को स्पर्श करता हुआ, उनके चरणों को स्पर्श करता हुआ ये आता है। और यहाँ पर देखिए उनके कुछ खास मीडिया हैं जो कार पे ऊपर कैमरा लिए हुए और छाता लिए हुए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आपको टीवी पे ये सब लाइव देखने को भी मिल जाता है। लाल बाग चाराजा जी का जो विसर्जन होता है, जब इनकी मूर्तियाँ निकाली जाती हैं वहाँ से, ये लोग पूरा आपको लाइव दिखाते हैं। तो देखिए कई सारे लोग यहाँ पर कैमरे लेकर कार के ऊपर बैठे हुए हैं और अभी भीड़ आप लोग देख सकते हैं। सभी लोग जैसे लगता है कि इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे कि कब लाल बाग चाराजा जी आए और हम उनका दर्शन कर पाएँ। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो में दिख गया होगा लाल बाग चाराजा जी का यहाँ पे मूर्ति जो काफ़ी बड़ी है। अभी मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ,
काफी अच्छे से नजदीक से भी मैं दिखाऊंगा। ये गीत और चौपाटी के लिए रवाना हो चुकी है और आपको बता दें ये विसर्जन करीब, मैं बता दूं कि एक दिन पहले ही ये मूर्ति निकल जाती है, लेकिन अगले दिन मॉर्निंग के टाइम में 8 बजे और कभी 8:30 बजे इनका विसर्जन गिरगांव चौपाटी पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए आज ये शाम को 2 से 2:30 बजे निकले और उसके बाद इनको ले जाते अगले मॉर्निंग में 7 बजे इनका विसर्जन किया जाता है। तो यहाँ पर दूसरी भी मूर्तियाँ बगल से गुजर रही हैं, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी है। अभी मैं गिरगांव चौपाटी का नज़ारा दिखाऊंगा ना तो आप लोग एकदम शॉक्ड रह जाओगे कि इतनी ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा क्राउड। जी हाँ, एक विश्वास होता है अपने धर्म और अपने आस्था के लिए जो इनसे इतना ज़्यादा लोग प्यार करते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ये जो पूजा है ना, ये गणेश उत्सव है ना, वो कुछ अलग तरीके से और बहुत ही धूम धड़ाक से मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, लाल बाग चाचा जी राजा जी का दर्शन करा रहा हूँ लाइव। तो देख सकते हैं आप लोग कि कितनी अच्छी प्रतिमा है और देखने में भी काफी सुंदर लग रही है। जितने भी लोग ऊपर बैठे हैं वो सभी लोगों को लड्डू से लेकर नारियल तक उसको प्रसाद के रूप में देते हैं लोगों को। और ये जो हार टांगे गए हैं ना गेंदे के फूल का, खूब बढ़िया सा बना के, इसको भी लोग काट के और सभी लोगों के ऊपर फेंकते हैं और सभी लोग इसे आस्था का प्रतीक मान के, प्रसाद मान के रखते हैं और अपने अपने घर ले जाते हैं। तो देखिए ये काट रहे हैं और सबके ऊपर फेंक रहे हैं और इसको लेने के लिए लोगों में काफ़ी होड़ भी मची हुई है। मैं जस्ट इस समय मूर्ति के नीचे ही खड़ा हूँ गाइज, और इतना ज़्यादा क्राउड है कि अब क्या आपको बताएं। यहाँ पर खड़ा होना भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं किसी तरह से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और एकदम लाल बाग चा राजा जी के नज़दीक से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मोदक बांटे जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात प्रसाद माना जाता है, वो भी गणेश जी का। तो हम भी यहाँ पर प्रसाद ले लिए हैं और देखिए पूरे रास्ते में ऐसे बढ़ते हुए चलता है। जो भी है ये लड्डू हो गया, नारियल हो गया, यहाँ पर आपको मिलते रहेगा पूरे रास्ते। और ये है मुंबई के सबसे बड़े राजा लाल बागचा राजा। जी हाँ, इनको देखने के लिए यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और देखिए सभी लोग यहाँ पर प्रसाद के लिए हाथ फैला रहे हैं, लेकिन सबको तो नहीं मिल पाता है, लेकिन जिनको मिल जाता है उनकी किस्मत काफ़ी अच्छी होती है। जी हाँ, क्योंकि इतनी भीड़ में प्रसाद मिल पाना नामुमकिन होता है, लेकिन जिन लोगों को मिल जाता है भाई, उन लोगों की तो बात ही अलग है। दोस्तों अभी हम एक दीवार पे खड़े होकर ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो देख सकते हैं ये लाल बागचा राजा जी का मूर्ति यहाँ से गुजर रहा है। उसके बगल में भी एक खूबसूरत सी प्यारी सी मूर्ति है गणेश जी की, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं लोग इनको देखने के लिए कितना ज़्यादा उत्सुक है और वीडियो फोटो वगैरह सब कुछ ले रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूँ, अभी बारिश भी है, कुछ लोग छाता लेकर चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा भीड़ भी रहे हैं। यहाँ पर देखिए जितने भी बिल्डिंग के लोग हैं वो निकल निकल के इनका दर्शन भी कर रहे हैं। रास्ते में जितने भी बिल्डिंगें बढ़ रही हैं ना, सभी लोग इनका दर्शन कर रहे हैं। ये मूर्ति चिंचपोकली से होते हुए भायखाला के रास्ते गिरगांव चौपाटी ले जाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वायर नहीं होते हैं, कोई चीज़ नहीं होता है कि बड़ी बड़ी मूर्तियाँ फंस जाएंगी। लोग देखिए यहाँ पर खूब डांस भी कर रहे हैं, खूब मस्तियाँ भी कर रहे हैं। रास्ते पर लड़कियाँ हों, लड़के हों, बूढ़े हों, या यहाँ पर नौजवान लोग हों, बच्चे हों, सभी लोग खूब मस्तियाँ करते हैं और खूब डांस भी कर रहे हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड रास्ते में रोटी, साथ में बिस्किट और साथ में ये क्या है ना,
मोदक जैसा कुछ है, ये मोदक जैसा कुछ है, ये सब भी मिलता रह रहा है। और रास्ते में आपको चाय, पानी, बड़ा पाव और वो क्या था, तहरी और माजा, चाय, मतलब सब कुछ खाने पीने को रास्ते भर मिलता रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं होती है विसर्जन के टाइम में, फुल इंजॉय करते हुए सब मिलते आ रहा है। तो कोई टेंशन नहीं है भाई, अभी माजा मिला है, अभी बिस्किट मिला है, खाएंगे पियेंगे फिर आगे और मिलेगा। तो ऐसा है, अगर आप लोग भी कभी भी आते हैं तो ये सब मिलता है, पानी का बोतल भी मिल रहा है भाई, दो लो, तीन लो, चार लो, कोई दिक्कत नहीं है, टॉफी भी मिल रहा है, मतलब रास्ते में सब कुछ खाने को मिल रहा है। तो अभी चलते हैं, आगे का नज़ारा भी आपको हम दिखाते हैं। देखिए कितनी जबरदस्त भीड़ है जो कि गणेश उत्सव का आनंद ले रही है इस त्यौहार का। तो हमारे साथ है हमारे भाई अनुज, ये भी एक अच्छे ब्लॉगर है, इनका चैनल का नाम है अनुज क्रॉप। तो इनके चैनल पे भी अच्छी अच्छी वीडियो आती है, आप लोग जरूर जाइए सब्सक्राइब कीजिए और इनके चैनल को देखिए और मतलब प्यार दीजिए अपना। तो चलिए मिलते हैं अब आगे। दोस्तों लाल बाग चाराजा जी का मूर्ति जो है वो काफ़ी धीरे धीरे आ रहा था, इसलिए हम लोग रात में ही यहाँ पर आ चुके थे। और अभी मॉर्निंग के टाइम में करीब 6:15 पे गिर गांव चौपाटी के अंदर लाल बाग चाराजा जी की एंट्री हो चुकी है और इन्हें देखने के लिए लोगों में काफ़ी होड़ मच गई है। देखिए अभी वो काफ़ी दूर है, लेकिन जैसे ही उनकी आहट मिली कि लाल बाग चाराजा जी यानी मुंबई के राजा जी का जैसे ही आगमन हुआ, लोगों में एक नया उत्साह आ गया और लोग दौड़ते दौड़ते अपनी जगहों से उनका वीडियो फोटो बनाने के लिए आगे जा पाए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो मूर्ति आ रही है ना, वो यही है लाल बाग राजा जी। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूँ, देखिए इनकी एंट्री गिरगांव चौपाटी में हो चुकी है और जितने भी प्रशासन के लोग हैं वो भी सख्त हो चुके हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। तो गाइज इनको देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ होती है। जब इनको बैठाया जाता है तो अजय देवगन, कार्तिक आर्यन, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, सलमान खान और जैसे बड़े सेलिब्रिटी यहां पर आकर मत्था टेकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी इनके दर पर मत्था टेकता है या सच्चे दिल से कोई मन्नत मांग लेता है तो वो मन्नत कभी खाली नहीं जाती है। जी हाँ गाइस, तो मैं आपको यहाँ पर लाइव नज़ारा दिखा रहा हूँ, रात से लेकर मॉर्निंग हो चुका है और मॉर्निंग में भी कितनी ज़्यादा कितनी तगड़ी भीड़ है। और अभी तक मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़, गिरगांव चौपाटी का पूरा नज़ारा। Thank you.
अब देखिए इन्हें गिरगांव चौपाटी के अंदर ले जाया जा रहा है ट्रॉली की मदद से, और उसके बाद इन्हें बोट पर खड़ा करके ले जाया जाएगा और सबसे अंदर इनको इनका विसर्जन किया जाएगा। और देखिए काफ़ी ये अंदर जा चुके हैं और सभी लोग खड़े होके उनका मूर्तियों का जितनी भी मूर्तियां हैं और खासकर लाल बाग राजा जी का उनका वीडियो और फोटो बनाने के लिए पहले से ही तैयार हो चुके हैं। मॉर्निंग का टाइम गाइज हो गया है और यहाँ पर अब आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी बढ़ चुकी है, लेकिन अब सारे आभूषण निकालने वाले हैं लोग, लेकिन उससे पहले यहाँ पर गणेश जी की आरती की जाएगी। तो चलिए अभी आरती होने वाली है, आरती को शुरू करते हैं और उसके बाद यहाँ से इनके प्रतिमा को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अभी वो अपने नाव के पास पहुंच चुके हैं, अब उन्हें ट्रॉली पर से उतारा जाएगा और बोट पे रखा जाएगा और उसके बाद इनकी आरती की जाएगी और उसके बाद लास्ट में जाके इनका विसर्जन किया जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से लोग उनको मिलकर बोट पर रखवा रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रखा जाए और काफ़ी अंदर ले जाके उनका विसर्जन किया जाता है हर साल, उसी तरह से इस साल भी अच्छे से इनका विसर्जन किया जाए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको लाइव नज़ारा दिखा रहा हूँ गाइज, लाखों लोगों से यहाँ पर कम भीड़ नहीं होगी। आपको तो यह देखकर अंदाज़ा लग ही गया होगा कि इस छोर से लेके उस छोर पे पूरा ही पूरा यह नज़ारा देखने को मिल रहा है। मतलब चारों तरफ कहीं भी नज़र दौड़ाओ तो आपको गणेश प्रतिमा ही दिखाई दे रही हैं। दोस्तों जब इनको लोग ट्रॉली पर से उतार के बोट पर रख लेते हैं तो इनके गले में और इनके बाजू पे जितने भी सोने के आभूषण मतलब बांधे रहते हैं उन सभी आभूषणों को धीरे धीरे निकाला जाता है। जो इनके सूंड में सोना पहनाया जाता है उसको भी निकाल लिया जाता है, मतलब कि जो मेन मेन चीज़ होता है ना उसको निकाला जाता है, लेकिन जो मेन चीज़ नहीं होता है उसको नहीं निकाला जाता है। और यहाँ पर बता दें आपको, अभी हम आपको आगे दिखाएँगे, करीब 4 से 5 बोरी पूरा पैसे ही भरे हुए वहां से निकाले गए हैं। तो यही है हमारे लाल बाग राजा जी की मूर्ति जिससे लोग इतना प्यार देते हैं और इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुनने को भी मिलता रहता है। तो फाइनली दोस्तों अब गणेश जी की आरती यहाँ पर शुरू होने जा रही है, शंख बजा दिया गया है और सभी लोग मिलकर यहाँ पर श्री गणेश जी की आरती करेंगे और उसके बाद इनका विसर्जन किया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आरती है वो शुरू हो चुकी है। Oh,
अभी आप लोग देख सकते हैं कि गणेश जी के लिए जितने भी पैसों का हवा चढ़ा था वो सारी बोरियां भर चुकी हैं और उन सभी बोरियों को बारी बारी से यानी विसर्जन से पहले निकाला भी जा रहा है। देखिए यहाँ पर नीली एक बोरी निकली, इसके बाद यहाँ पर कई सारी बोरियां ऐसे निकलती हैं जो वाइट होती हैं, पिंक होती हैं, उनमें सभी पैसा ही पैसा भरा रहता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये कोई आम मूर्ति नहीं है और इनकी सजावट भी काफ़ी भयानक होती है और हर साल गिरगांव चौपाटी पे इन्हीं की मूर्ति सबसे ज़्यादा बेस्ट भी होती है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं मुंबई लाल बाग चा राजा जी का, जो यहाँ पर विसर्जन इनका होने जा रहा है। किस प्रकार से इनका विसर्जन किया जाएगा हम आपको सब कुछ बताएंगे और साथ में दिखाएंगे भी, तो आप लोग हमारे चैनल पे पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों अभी देखिए बोट आ चुकी है और दो बोट इनको खींच के अंदर ले जाएगी। सभी लोगों की भीड़ तो अभी भी बैठी है, लेकिन जैसे ही बोट अंदर खींच कर ले जाना शुरू करेगी आधे से अधिक लोग यहाँ से मतलब चले जाएंगे, क्योंकि अधिक लोग यही देखने के लिए यहाँ पर आए थे कि काश एक बार हमारा हमें दर्शन भी हो जाए। तो अभी गाइस दर्शन भी हो चुका है, हर हर महादेव हो या गणेश जी हो। फाइनली गाइज यहाँ पर लाल बाग चा राजा जी को लोग खींच कर बोटों के द्वारा अंदर ले जा रहे हैं और सबसे अंदर ले जाकर ही इनका यहाँ पर विसर्जन किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी भी पीछे कई सारी मूर्तियाँ हैं, जिसमें से मुंबई सम्राट से लेकर कई सारी ऐसी मूर्तियाँ हैं जिन्होंने अपना विसर्जन अभी तक नहीं किया है। जी हाँ।